बहुत अच्छा माहौल बनाया श्री दिलीप ठक्कर जी ने, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत मंजे हुए शायर लगते हैं। और अब वक्त है एक ऐसे शायर को आवाज़ देने का। उनका ये काम होता है कि उनको जिस महफिल में बुलाया जाता है वो उस अंजुमन में, उस महफिल की रगों में लहू दौड़ाते हैं। और आज इस महफिल में भी मुझे ऐसी ही उम्मीद है उनसे, क्योंकि मेरा तखल्लुस ही उम्मीद है, तो मुझे जायज़ है मैं ऐसी उम्मीद रखूं उनसे। तो वक्त आ गया है एक ऐसे जादूगर को बुलाने का जो ट्रिक से जादू नहीं करता बल्कि लफ्ज़ों से जादू करता है, और इसीलिए उसने अपना तखल्लुस साहिर रखा हुआ है। साहिर का मतलब होता है जादूगर। तो मेरी मुराद असलम साहिर जी से है, वो हमारे बीच मौजूद हैं। तो इल्मे अरूस के अच्छे जानकार हैं और बाकायदा वज़न और बहर के हिसाब से शेर कहते हैं, या उसको अगर बाद में दुरुस्त करके तब वो मंच पर आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो डायस पर आएं और अपनी बेहतरीन गज़लें हम सबके साथ शेयर करें और आपको सुनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम डिवाइन मेलोडीज़ के माध्यम से पूरी दुनिया में एक बार में पहुंच जाता है, और बहुत बहुत शुक्रिया डिवाइन मेलोडीज़ का कि वो हम सब शायरों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है कि हम सारी दुनिया से एक साथ एक मिनट में जुड़ सकें। तो बात हो रही थी असलम साहिर जी की, मैं उनको दावत देता हूँ। और एक ये दो शेर हैं, एक शायर हुए सूरभान गुप्त जी, अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि रात रोने से कब घटी साहेब, रात रोने से कब घटी साहेब, बर्फ धागे से कब कटी साहेब, सिर्फ शायर वही हुए जिनकी जिंदगी से नहीं पटी साहेब। सूरभान गुप्त जी, और मैं बुलाना चाहता हूँ असलम साहिर जी को। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ अश्वानी उम्मीद साहब का कि उन्होंने तहजीब का मुझे हिस्सा बनाया, और सभी श्रोताओं को मेरा सलाम। मैं मतला पेश कर रहा हूँ कि अर्थ क्या है कि गुनगुनाता रहा, गीत गाता रहा, गुनगुनाता रहा, गीत गाता रहा, गम ही गम थे मगर मुस्कुराता रहा, गुनगुनाता रहा, गीत गाता रहा, गम ही गम थे मगर मुस्कुराता रहा। और शेर देखिए कि एक जुगनू तेरी याद का रात भर, एक जुगनू तेरी याद का रात भर, दिल की दहलीज पर जगमगाता रहा, दिल की दहलीज पर जगमगाता रहा। और शेर देखें कि सादगी को मेरी रहगुजर जानकर, सादगी को मेरी रहगुजर जानकर, कोई आता रहा कोई जाता रहा, सादगी को मेरी रहगुजर जानकर, कोई आता रहा कोई जाता रहा। और शेर देखें कि उस हंसी को भी था शायरी से सगफ, उस हंसी को भी था, उस हंसी को भी था शायरी से सगफ, मैं भी गजलों का जादू जगाता रहा। वाह वाह भाई वाह, मैं भी गजलों का जादू जगाता रहा। और शेर देखें, एक मतलब पेश कर रहा हूँ कि फिक्र कैसी कहाँ का डरना था, मतलब है गजल का कि फिक्र कैसी कहाँ का डरना था, जबकि अंजाम ही बिखरना था, फिक्र कैसी कहाँ का डरना था, जबकि अंजाम ही बिखरना था, और रात होना थी उसके आने तक, रात होना थी उसके आने तक, मुझको दरिया भी पार करना था। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। रात होना थी उसके आने तक, मुझको दरिया भी पार करना था। और शेर देखें कि दिल तो कहता था तुम ना आओगे, दिल तो कहता था तुम ना आओगे, दिल तो कहता था तुम ना आओगे, पर हमें एतबार करना था, पर हमें एतबार करना था, दिल तो कहता था तुम ना आओगे, पर हमें एतबार करना था। और शेर देखें कि आ गए हैं
तेरी मोहब्बत में, आ गए हैं तेरी मोहब्बत में, किसको इस राह से गुजरना था, आ गए हैं तेरी मोहब्बत में, किसको इस राह से गुजरना था। और शेर देखें कि याद है तुमको या वो भूल गई, अश्वानी जी, याद है तुमको या वो भूल गई, उस पहाड़ी पे एक झरना था। वाह वाह भाई वाह 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 वाह। याद है तुमको या वो भूल गई, उस पहाड़ी पे एक झरना था, उस पहाड़ी पे एक झरना था, और जिंदगी अब तेरी जरूरत क्या, काम हम कर चुके जो करना था। बहुत अच्छे। जिंदगी अब तेरी जरूरत क्या, दोबारा काम हम कर चुके जो करना था, और तुझको पाकर है मुतमईन ऐसे, तुझको पाकर है मुतमईन ऐसे, क्या किसी दूसरे पर मरना था। तुझको पाकर है मुतमईन ऐसे, तुझको पाकर है मुतमईन ऐसे, क्या किसी दूसरे पर मरना था। और शेर देखें, ये मकता है कि तहा में उतरे थे ठान कर साहिर, तहा में उतरे थे ठान कर साहिर, डूब कर ही हमें उभरना था, डूब कर ही हमें उभरना था। और इजाज़त हो तो दो तीन शेर और है वक्त के, मतलब पेश कर रहा हूँ कि अपनी आँखों में मेरे ख्वाब सजाए कोई, अपनी आँखों में मेरे ख्वाब सजाए कोई, मेरे ख्वाब सजाए कोई, मैं भी चाहूँ कि मुझे टूट के चाहे कोई, अपनी आँखों में मेरे ख्वाब सजाए कोई, मैं भी चाहूँ कि मुझे टूट के चाहे कोई। और क्यों ये होता है, ये उसने बतला है कि क्यों ये होता है मेरे साथ बताए कोई, क्यों ये होता है मेरे साथ बताए कोई, मैं जो सोचूं तो मुझे याद ना आए। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह। मैं जो सोचूं तो मुझे याद ना आए कोई, क्यों ये होता है मेरे साथ बताए कोई, मैं जो सोचूं तो मुझे याद ना आए कोई, और मेरी नज़रों से उसे देखने वाले देखें, मेरी नज़रों से उसे देखने वाले देखें, फिर मुझे हुस्न की तारीफ बताए कोई, मेरी नज़रों से उसे देखने वाले देखें, फिर मुझे हुस्न की तारीफ बताए कोई। है तो ये बात हकीकत में फरिश्तों जैसी है, तो ये बात हकीकत में फरिश्तों जैसी, सारी दुनिया से मेरा भेद छुपाए कोई। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह। हर तरफ खौफ है, तारीकी है, सन्नाटा है, हर तरफ खौफ है, तारीकी है, सन्नाटा है, कोई जाबाज उठे राह दिखाए कोई, कोई जाबाज उठे राह दिखाए कोई। और एक शेर और उसके बाद इजाज़त के, कितना दुश्वार है तलवार पे चलना यारों, कितना दुश्वार है तलवार पे चलना यारो, देखना हो तो मेरे साथ में आए कोई, देखना हो तो मेरे साथ में आए कोई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जैसा कि मैंने असलम साहिर जी का परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, उस पर खरे उतरे और एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा माहौल आज की महफिल को उन्होंने दिया। और इसी सिलसिले को अगर कायम रखना हो, इसी मेयार को अगर कायम रखना हो, तो मेरी ज़ुबान पे एक ही नाम आता है, वो है आज की जो मेहमान शायरा हैं, बहुत ही थोड़ा सा देर से आई, लेकिन कहना ये चाहिए कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओगे तो रात की औकात बनेगी। और मैं आपके इंट्रोडक्शन में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी शायरा हैं जो जिनको उर्दू का अच्छा इल्म है, और मुख्य रूप से वो उर्दू शायरा ही हैं, लेकिन कभी वो लोगों तक पहुँचने के लिए आसान लफ्ज़ों का भी प्रयोग करती हैं, और जो कि होना भी चाहिए, और बहुत ईमानदारी से शेर कहती हैं, बहुत सच्चे शेर कहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो डायस पर आएँ और ये शायरी का सिलसिला यूँ ही कायम रहे, आगे बढ़ता रहे। और आज सब बेहतरीन शायर और शायरा हैं, तो जो लोग इस महफिल में मौजूद हैं वो ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ ले के जाएंगे, मतलब यहाँ से कुर्सी मेज़ लाइट ले के जाने की बात नहीं हो रही है,
कुछ ना कुछ ऐसा इल्म लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ साहित्य का प्रसाद लेके जाएंगे। और इसी सिलसिले को कायम रखते हुए मैं रेखा रोशनी जी को आमंत्रित करता हूँ। डिवाइन मेलोडीज तहजीब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे अश्विन जी जिन्होंने मुझे वापस याद किया, और मेरे सब मित्रों की भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका फराहम किया। एक कथा हासिल कर रही हूँ कि कभी मगरूर भी कहते हैं मुझको, कभी मगरूर भी कहते हैं मुझको, अना से चूर भी कहते हैं मुझको, वो अल्फाज़े दिगर सब अहले उर्दू, खते पुरनूर भी कहते हैं मुझको। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खैर, एक गजल हाजिर कर रही हूँ, समझ कीजिए जनाब। देखिए कि ऐसे वैसों को बना देता है वक्त, कि ऐसे वैसों को बना देता है वक्त, कैसे कैसों को मिटा देता है वक्त, और सर उठाने की सजा देता है वक्त, सर उठाने की सजा देता है वक्त, आई अच्छे अच्छों को झुका देता है वक्त। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है। सर उठाने की सजा देता है वक्त, अच्छे अच्छों को झुका देता है वक्त, और वक्त रुक जाए तो गड़ियां बंद हो, ये वक्त रुक जाए तो गड़ियां बंद हो, आईना सबको दिखा देता है वक्त, कि आईना सबको दिखा देता है वक्त, और ख्वाहिशें फिर ख्वाहिशें फिर ख्वाहिशें, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कि आरजुओं को बढ़ा देता है वक्त, कि आरजुओं को बढ़ा देता है वक्त, और बेयकीनी बेहिसी बेचारगी, कि बेयकीनी बेहिसी बेचारगी, सुर्ख पत्तों को उड़ा देता है वक्त, सुर्ख पत्तों को उड़ा देता है वक्त, और शेर देखिए कि एक लम्बे ने बदल दी जिंदगी। अभी भी जलजल आया था आगे, और अभी भी हमारी कचकी पीछे पड़ी है, इस कुदरत भी कि देखिए कि एक लम्हे ने बदल दी जिंदगी, एक लम्हे में मिटा देता है वक्त, एक लम्हे ने बदल दी जिंदगी, एक लम्हे में मिटा देता है वक्त, और मकता हाजिर कर रही हूँ कि वक्त पे सब कुछ न छोड़ो रोशनी, कि वक्त पे सब कुछ न छोड़ो रोशनी, वक्त आने पर दगा देता है वक्त, ऐसे वैसों को मिटा देता है वक्त, और कैसे कैसों को बना देता है वक्त। एक बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गजल हाजिर कर रही हूँ बारिश की, कि मैंने दे दिया आपने बारिश वाला, कि देखिए कि बारिश भी मेरे दोस्त का पैगाम हो गई, कि बारिश भी मेरे दोस्त का पैगाम हो गई, हमको शबे फिराक भी इनाम हो गई, फिर आने लगी याद तेरी दफ़तन मुझे, कि फिर आने लगी याद तेरी दफ़तन मुझे, दिन हो गया तमाम ये लो शाम हो गई, और कहते हैं दिल को दिल से बड़ी राख है लेकिन, कहते हैं दिल को दिल से बड़ी राख है लेकिन, तुम क्या गए कि राह कई गाम हो गई। और शेर हाजिर कर रही हूँ जनाब के, यूं तिश्नगी ने साथ निभाया है उम्र भर, यूं तिश्नगी ने साथ निभाया है उम्र भर, जब बेखुदी की हद बड़ी तो जाम हो गई, और मेहरो करम की कैसी नवाजिश है रोशनी, मेहरो करम की कैसी नवाजिश है रोशनी, ये किसकी दुआ आज तेरे नाम हो गई, बारिश भी मेरे यार का पैगाम हो गई, मुझको शबे फिराक भी इन आम हो गई। शुक्रिया जी जनाब शुक्रिया, कि जिंदगी थमसी गई है आपके जाने के बाद,
जिंदगी थमसी गई है आपके जाने के बाद, जानो दिल पे आ बनी है आपके जाने के बाद। और शेर हाजिर कर रही हूँ कि सहरा सहरा तिश्नगी लेकर, सहरा सहरा तिश्नगी लेकर भटकती ही रही, जिंदगी सूखी नदी है आपके जाने के बाद। और हर तरफ मुझको मेरी आंखों ने धोखा ही दिया, ये हर तरफ मुझको मेरी आंखों ने धोखा ही दिया, हर नजर बीमार सी है आपके जाने के बाद। और शेर हाजिर कर रही हूँ, देखिए कि हर कसो नाकस से मिलना भी गवारा कर लिया, शेर देखो यार, कि हर कसो नाकस से मिलना भी गवारा कर लिया, किस कदर बेचारगी है आपके जाने के बाद, कि किस कदर बेचारगी है आपके जाने के बाद। और आप थे तो जिंदा रहने की उमंगे दिल में थी, आप थे तो जिंदा रहने की उमंगे दिल में थी, अब तो बस अफसुर्दगी है आपके जाने के बाद, कि अब फकत अफसुर्दगी है आपके जाने के बाद। और वक्ता हाजिर कर रही हूँ कि आपके जाने से पहले रोशनी में नूर था, कि आपके जाने से पहले रोशनी में नूर था, अब कहाँ वो रोशनी है आपके जाने के बाद। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। मैं ये चांस ले लेती हूँ कि हमारे जो संचालक महोदय, जो हमारे नाजिम साहब जो अब तक हम सबको पढ़वा रहे थे, उनको मैं ये चार मिसरे नंदलाल पाठक जी के ये मिसरों के साथ उनको बुला रही हूँ स्टेज पे कि आए और हमको उनकी शायरी से मदोश कर दे। इतनी अच्छी शायरी होती है उनकी, उम्मीद जी की, कि शायरी खुदकुशी का धंधा है। मेरे चार मिसरे बहुत पसंद है मुझे नंदलाल जी के, कि शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है अपना कंधा है, आईना बेचता फिरा शायर उस नगर में जो नगर अंधा है। अश्विनी जी आइए और अपने कलाम से नवाजिए। बहुत ही अच्छा माहौल बना कर गई हैं रोशनी जी, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। इतने अच्छे अच्छे शेर पढ़े उन्होंने, मुझे अब याद आ गया वो शेर, तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ़ लाना था, ज़माना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आई। एक मतलब दो शेर पेश करता हूँ। एक नया रास्ता बनाऊँगा, एक नया रास्ता बनाऊँगा और फिर नक्शे पा बनाऊँगा, एक नया रास्ता बनाऊँगा और फिर नक्शे पा बनाऊंगा, और साजिशन हाशिए पे रखा तो, साजिशन हाशिए पे रखा तो बीच में हाशिया बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। साजिशन हाशिए पे रखा तो बीच में हाशिया बनाऊंगा। और ये एक शेर देखें, कुछ अलग सा है कि ये जो एक लफ्ज काफिया है ना, ये जो एक लफ्ज काफिया है ना, इसको ही काफिया बनाऊंगा। वाह 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 क्या बात है, वाह वाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये जो एक लफ्ज काफिया है ना, इसको ही काफिया बनाऊंगा। और एक गजल के चंद अशार देखें कि ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, ये मेरी फितरत नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दूं, ये तो मुमकिन है कि मैं आंसू बहाना छोड़ दूं, ये मेरी फितरत नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दूं, और मैं नहीं कोयल सुरीली मगर एक भंवरा तो हूँ, मैं नहीं कोयल सुरीली मगर एक भंवरा तो हूँ, गा नहीं सकता तो क्या मैं गुनगुनाना छोड़ दूँ, मैं नहीं कोयल सुरीली मगर एक भंवरा तो हूँ,
गा नहीं सकता तो क्या मैं गुनगुनाना छोड़ दूं। और तुमने तो नाराज होकर रूठना छोड़ा नहीं, तुमने तो नाराज होकर रूठना छोड़ा नहीं, मुझको क्यों कहते हो मैं तुमको मनाना छोड़ दूं। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह। तुमने तो नाराज होकर रूठना छोड़ा नहीं और मुझको क्यों कहते हो मैं तुमको मनाना छोड़ दूं। और आपसे ही हर खुशी है, आपसे ही जिंदगी, आपसे ही हर खुशी है, आपसे ही जिंदगी, आप घर मिल जाए तो मैं ये जमाना छोड़ दूं। आपसे ही हर खुशी है, आपसे ही जिंदगी, आप घर मिल जाए तो मैं ये जमाना छोड़ दूं। और चंद अशार देखें, ये वसल के नगमे सभी फुरकत के नाले हो गए। रोशनी जी, वसल के नगमे सभी फुरकत के नाले हो गए और आपके जाने से हम गम के हवाले हो गए। वसल के नगमे सभी फुरकत के नाले हो गए, आपके जाने से हम गम के हवाले हो गए। और आप कहते हैं हमेशा चांदनी का जश्न हो, आप कहते हैं हमेशा चांदनी का जश्न हो, सच तो ये है धूप में मजदूर काले हो गए। वाह वाह वाह। आप कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आप कहते हैं हमेशा चांदनी का जश्न हो और सच तो ये है धूप में मजदूर काले हो गए। और ढूंढने निकले थे हीरा जो मिला हमको नहीं, ढूंढने निकले थे हीरा जो मिला हमको नहीं, और उस पे ये सजा के हाथ काले हो गए। ढूंढने निकले थे हीरा जो मिला हमको नहीं, और उस पे ये, बहुत शुक्रिया, और उस पे ये सजा के हाथ काले हो गए। और नातवा कैद फरावानी ने हमको कर दिया। नातवा मतलब कमजोर, और कैद फरावानी मतलब बहुत सुख सुविधा में रहना। नातवा कैद फरावानी ने हमको कर दिया और मुश्किलों की जद में आकर हम जियाले हो गए। नातवा कैद फरावानी ने हमको कर दिया, मुश्किलों की जद में आकर हम जियाले हो गए। और एक शेर है जो थॉमस अल्वा एडिसन थे जिन्होंने ये बनाया था, उनके हवाले से कि कैद उसने नूर को बिल्लौर में कर ही दिया, कैद उसने नूर को बिल्लौर में कर ही दिया, और इस इजाद से घर घर उजाले हो गए। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह। बहुत शुक्रिया कैद, बहुत शुक्रिया कैद उसने नूर को बिल्लौर में कर ही दिया और इस इजाद से घर घर उजाले हो गए। वसल के नगमे सभी फुरकत के नाले हो गए, आपके जाने से हम गम के हवाले हो गए, आपके जाने से हम गम के हवाले हो गए। अच्छा, ढूंढने निकले थे हीरा जो मिला हमको नहीं, ढूंढने निकले थे हीरा जो मिला हमको नहीं, और उस पे ये सजा के हाथ काले हो गए। और घर घर उजाले हो गए भी बहुत जी। कैद उसने नूर को बिल्लौर में कर ही दिया, और इस इजाद से घर घर उजाले हो गए, और इस इजाद से घर घर उजाले। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं जिस शायर को डायस पे बुलाने जा रहा हूँ उसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बे हैं इनके, उसको इन्होंने खाली उसको ही इन्होंने कागज़ पे उतारा है, या जो दुख दर्द इन्होंने भोगा है उसको कागज़ पे उतारा है, तो ये थोड़ा सा बेमानी लगेगा क्योंकि इनकी उम्र अभी उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन अपनी उम्र से बड़े शेर ये कहते हैं, ये इनकी खासियत है। जब इस उम्र में ये इस तरह के शेर कहते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि हमारा शायरी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा रहेगा। और इन लोगों पे जो दारोमदार सौंपा गया उसको ये बहुत अच्छे से निभाएंगे। इसी के साथ मैं आज के जवान शायर, युवा शायर ताहिर अंसारी को आवाज़ देता हूँ कि वो डायस पर आएं और अपनी बेहतरीन गज़लें हमारे सामने पेश करें। मैं अपने ही कुछ शेर इनके इस्तकबाल में पढ़ूंगा। यही है शायरी के इल्म का उस्ताद हो जाना,
हमारे भी सब इल्मे बैठे हैं, उस्ताद भी हैं कुछ। यही है शायरी के इल्म का उस्ताद हो जाना, गज़ल के शौक में पूरी तरह बर्बाद हो जाना, और नहीं रुकना किसी लहजे का तुम फरियाद होने तक, किसी के मांगने से पेशतर इमदाद हो जाना। ताहिर अंसारी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जितनी हस्तियां यहां पर हैं, काफ़ी छोटा हूं उनमें, तो जो भी अगर कुछ ये गलतियां हो जाए तो माजर चाहूँगा पहले ही। एक मतलब एक शेर देखें कि भूखो इफ़लास से फलदार शजर सूख गए, भूखो इफ़लास से फलदार शजर सूख गए, अब के शबनम भी गिरी तो गुलेतर सूख गए। भूखो इफ़लास से फलदार शजर सूख गए, अब के शबनम भी गिरी तो गुलेतर सूख गए। एक तेरे होने से होती थी चमक गलियों में, एक तेरे होने से होती थी चमक गलियों में, एक तेरे जाने से शादाब शहर सूख गए। एक तेरे होने से होती थी चमक गलियों में, एक तेरे जाने से शादाब शहर सूख गए। था अलग रब्त उसे सूखे हुए फूलों से, था अलग रब्त उसे सूखे हुए फूलों से, लहलाते हुए हम बेखौफ व खतर सूख गए। तेरे पायल की झनक सुन के मीह बरसता था, तेरे पायल की झनक सुन के मीह बरसता था, लौट आ देख तेरे राह गुजर सूख गए। तेरे पायल की झनक सुन के मीह बरसता था, लौट आ देख तेरे राह गुजर सूख गए। इस गजल के चंद अशआर देखें कि खुशबू देंगे दुनिया को संदल होकर मर जाएंगे, खुशबू देंगे दुनिया को संदल होकर मर जाएंगे, हमसे कितने लोग हैं जो पागल होकर मर जाएंगे। खुशबू देंगे दुनिया, बहुत शुक्रिया सर, खुशबू देंगे दुनिया को संदल होकर मर जाएंगे, हमसे कितने लोग हैं जो पागल होकर मर जाएंगे। रगों में खून का बहना भी है उस तेरे लम्स की हिद्दत से, रगों में खून का बहना भी है तेरे लम्स की हिद्दत से, गले लगा आकर वरना हम शल होकर मर जाएंगे। रगों में खून का बहना भी है तेरे लम्स की हिद्दत से, गले लगा आकर वरना हम शल होकर मर जाएंगे। होंगे कुछ ऐसे भी सिपाही जो अपने घर लौटेंगे, होंगे कुछ ऐसे भी सिपाही जो अपने घर लौटेंगे, और कुछ जंग पे जाएंगे घायल होकर मर जाएंगे। होंगे कुछ ऐसे भी सिपाही जो अपने घर लौटेंगे, और कुछ जंग पे जाएंगे घायल होकर मर जाएंगे। तुझको खोकर अरमानों का कत्ल करेंगे हम खुद ही, तुझको खोकर अरमानों का कत्ल करेंगे हम खुद ही, अपने आप में हम खुद एक मक्तल होकर मर जाएंगे। तुझको खोकर अरमानों का कत्ल करेंगे हम खुद ही, अपने आप में हम खुद एक मक्तल होकर मर जाएंगे। और मक्ते का शेर देखें कि ताहिर मौत जो आए तो ऐ काश मदीने में आए, ताहिर मौत जो आए तो ऐ काश मदीने में आए, हम जैसे नाकारा भी अफजल होकर मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा मुशायरा रहा आज का। ये डिवाइन मेलोडीज़ की प्रस्तुति है जिसे हम तहजीब के नाम से हर कुछ दिनों में शूट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और इसके लिए मैं आभारी हूं डिवाइन मेलोडीज संस्था का और इसके प्रोड्यूसर ऋषिराज जी का, इस कार्यक्रम के डायरेक्टर कृष्ण सेठी जी और सत्यम राज जी का, और इसके डीओपी कैमरामैन श्री विजय जी का, और बहुत ही अच्छे शायर और शायरा हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे, अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह की महफिलें डिवाइन मेलोडीज़ हमारे लिए सजाते रहेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।